Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। शरिया झारखंड ने आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें हमारे बड़े पदाधिकारी, प्रवक्ता, सह प्रवक्ता, दरगाह ट्रस्ट के हमारे जिम्मेदारान, सदर सेक्रेटरी और हमारे उलमा इकराम, दारुल खजा के काजियान, ये सारे हजरात हैं और समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। जो इस वक्त जो CAA है, वो सब लोग जानते हैं कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। इस काले कानून से देश में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो गुलामी की तरफ और बांटने की तरफ ये कानून लेके जा रहा है, पूरा देश इस वक्त पूरे देश में इस वक्त अनार्की फैली हुई है और देश में बैठे हुए बड़े सरीखे लोग, यूं कहिए कि केंद्र सरकार बजिद है देश के बंटवारे के लिए, देश में नफरत की राजनीति करने के लिए। और हमारा देश आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि हमारे देश में लिंग, जाति, धर्म की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14 और 15 की और 21 की बुनियाद पर। और इसके खिलाफ में जाकर CAA बनाया गया। ये कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 जो वर्ग के लोग हैं ये आएंगे, उनको देंगे। भाई उनको आप दीजिए, हमारा 1955 से चल रहा है, मगर ये धर्म के बुनियाद पर जो आपने लाया है, ये सीधा सीधे तौर पर देश के खिलाफ है। हमने इदारे शरिया झारखंड, खासतौर से राज्य सरकार से ये डिमांड करता है कि इसी सत्र में CAA, NRC और NPR के खिलाफ में प्रस्ताव पारित करें। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।